बुधवार को सुबह पिपराइस थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा आलमीन स्कूल के आगे नहर के किनारे अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना पर मुकामी पुलिस सहित एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, सीओ चौरी चौरा जगत राम कन्नौजिया भी मौके पर पहुंचे और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद शव की शिनाख्त 35 वर्षीय ब्रिजेश विश्वकर्मा पुत्र नंदलाल विश्वकर्मा निवासी समदार खुर्द भटहट गुलैरिया के रूप में हुई है। मृतक मोबाइल की दुकान चलाता है। रविवार की रात वह घर से करमहा दावत खाने की बात कहकर निकला था, जबकि शाम 7 बजे उसे भटहट इलाके में देखा गया था। घटना स्थल से कुछ दूरी पर लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस खंगाल रही है, जिसके संबंध में सीओ चौरी चौरा जगत राम कन्नौजिया ने कहा कि परिजनों द्वारा अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जबकि दूरभाष पर बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि 4-5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के खुलासे के लिए क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ चौरी चौरा जगत राम कन्नौजिया और दूरभाष पर बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आज दिनांक 12/7/2021 को ग्राम पोखर भिंडा पीएसपी प्राइस में सड़क के किनारे मिली लावारिस लाश को सूचना पर पहुंचकर पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कार्य रवाना कर दिया गया है। शिनाख्त की कार्रवाई के बाद घर वालों से तहरीर लेकर अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके अनावरण हेतु टीमें बना दी गई हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज प्रातः ब्रजेश विश्वकर्मा की लाश मिली थी भटहट चौकी से 4 किलोमीटर आगे। उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की गई। संदिग्ध 4-5 लोगों को उठाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में क्राइम ब्रांच का सहयोग लिया गया है। क्राइम ब्रांच अपना सर्विलांस के स्तर पर काम कर रही है। थाने स्तर पर भी 4 टीमें और 4 थाना अध्यक्षों की टीम लगाई गई है। वो लोग भी अपने स्तर से उसमें जानकारी कर रहे हैं और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। प्रयास तरह से चल रहा है।